हम आपके बीच में हैं एक और औषधीय पौधों के संदर्भ में ढेर सारी जानकारी को लेकर। यह आयुर्वेद में चित्रक के नाम से जाना जाता है। यह चित्रक का पौधा आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाले औषधियों में बहुत जाना पहचाना पौधा है। इनका आप विविध रोगों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि चित्रकादिवटी। चित्रकादि वास्तव में इस चित्रक औषधि की अधिकता की वजह से उसका नाम चित्रकादि, क्योंकि ऋषियों ने जितने भी औषधियों का, चाहे वह जड़ी बूटियों का, चाहे वह बनी हुई जो औषधियां हैं, आयुर्वेद की यह विशेषता है, उस शब्द का अर्थ उस शब्द के अंदर ही होता है। इसी तरह से बहुत सारी औषधियां जो वास्तव में जिस तरह की द्रव्य उनके अंदर डलते हैं, जैसे बिल्वादि चूर्ण, चित्रकादि वटी, कुमारी आसव, पुनर्नवा रिस्त, पुनर्नवादि मंडूर, यानी जो औषधि जो मेन तत्व है, मुख्य औषधि है, उसके आधार पर उन औषधियों का नामकरण भी आयुर्वेद में किया गया। इससे जड़ी बूटी के प्रयोग जानने वाले सामान्य आदमी भी ये अंदाजा लगा सकता है इस बनी हुई दवाई के अंदर ये दवाई पड़ी हुई है, इसका अर्थ ये हुआ कि यह इस रोग में काम करती है। यदि आप इसका चित्र छाल का काढ़ा या पंचकोल का, पंचकोल में जैसा अभी मैंने बताया आपको आयुर्वेद में चव्य, चित्रक, पीपल, पिपला मूल और सौंठ, चित्रक इसमें मुख्य द्रव्य है, तो 10 मूल क्वाथ बाजार में बना बनाया एक क्वाथ का पाउडर, हालांकि पीने की लिक्विड शीशी भी मिलती है, उसकी जगह पर आप बना बनाया क्वाथ ले लें, तो जिन माताओं बहनों को कम पीरियड होती है, जैसे आप लगभग 200 ग्राम 10 मूल क्वाथ में 100 ग्राम पंचकोल चूर्ण उसको मिला लें, उसको मिला करके आप एक समय में करीबन 7-8 ग्राम क्वाथ को लगभग 600 ग्राम पानी में उबालें, इतना पका लें कि 150 बच जाए छान करके पीने से, सुबह शाम पी लें, तो जिन माताओं बहनों को कम पीरियड होती है उसमें 100% लाभ होता है। इसके अतिरिक्त आप प्राणायाम भी रेगुलर करें, उससे आप देखेंगे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। कई बार ऐसी शिकायत बहुत खतरनाक रूप ले लेती है, माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं, बहुत सारी चिकित्सा करने के बाद में भी कम पीरियड होना, मासिक धर्म की कमी, न्यूनता, असमय में होना, देरी से होना, इस तरह की जो परेशानी है उसमें 100% लाभ होता है। इसके अतिरिक्त आप प्राणायाम भी रेगुलर करें, उससे आप देखेंगे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। हालांकि इसके साथ में इस पंचकोल और दसमूल के काढ़े के साथ में आप एक रजह प्रवर्तनी वटी आती है, उस वटी का सेवन भी वैद्य के परामर्श से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बीमारी होने पर, कठिन और बहुत कष्टसाध्य रोग होने पर निश्चित रूप से जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं, चिकित्सक बंधु हैं या जो वैद्यक जो लोग हैं उनसे जरूर परामर्श लेना चाहिए। कभी कभी आदमी अपने रोगों को लेकर के इतना बेपरवाह और लापरवाह रहता है कि सोचता है कि अभी तक तो गाड़ी खींच रही है, जब तक खींच रही है खींचने दो, जिस दिन हम नहीं कुछ कर पाएंगे उस दिन वैद्य के पास जाएंगे। ये गलत अवधारणा है। कभी भी हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि रोग और शत्रु को कभी छोटा मत समझो, छोटा समझने से कभी भी वह विकराल और भयावह एक रूप धारण कर सकता है। यह आयुर्वेद वास्तव में अमृत है, वास्तव में यह देव है, देवता है हमारे लिए। इन देवों की हम रक्षा करें, जड़ी बूटियों की रक्षा, इन जड़ी बूटियां फिर हमें रक्षा करेंगी, तो जड़ी बूटियों की हम रक्षा करें, जड़ी बूटियों की अभिवृद्धि करें। आज देश के अंदर से सभी तरह की जड़ी बूटियां भी लुप्त हो रही हैं, ज्यों ज्यों हम इनके प्रयोग को भूलते जा रहे हैं त्यों त्यों ये जड़ी बूटियां लुप्त भी होती जा रही हैं, तो हम जड़ी बूटियों को लुप्त होने से बचाएं, इनके प्रयोगों को सीखें और अपने जीवन को निरामय कल्याणकारी बनाते हुए, जिसके लिए भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा था, उस प्रभु के कर्म को करने के लिए, अपने जीवन के जो रहस्य हैं, जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो कर्तव्य है, उसको समझ सकें और हम जिस दिन इस दुनिया से जाएं, हम कह सकें कि जिस कार्य के लिए हम इस दुनिया में आए थे हमने उस कर्म को पूर्ण